इस तरह का वॉल आर्ट हम सबको बेहद पसंद होता है, पर ऑनलाइन हो या ऑफलाइन ये काफी कॉस्टली होते हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज वर्षा और मैं अपने इस चैनल पर डीआईवाईज एंड क्राफ्ट रिलेटेड वीडियोस आपसे शेयर करती हूँ। इस वॉल आर्ट को मैं काफी दिनों से लेने का सोच रही थी, पर मैंने सोचा कि किस लिए इतने पैसे बर्बाद करना, इसे घर पर ही बनाया जाए। और इसे मैंने घर पर ही बनाकर रेडी कर लिया है, वो भी वेस्ट मटेरियल से। पता है किस वेस्ट मटेरियल से? कार्डबोर्ड से। जी हाँ, आपने सही सुना, मैंने इसे कार्डबोर्ड से ही बनाकर रेडी किया है। तो इसे मैंने अपने लिए तो बना लिया, पर आपके साथ भी शेयर करना तो बनता है। तो चलिए, बातें बहुत हो गई, अब बिना किसी देरी के आज का ये वॉल आर्ट बनाना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक न्यूज़पेपर पर इस तरह के पैटर्न को ड्रॉ किया और कट कर लिया है। अब सेम इसी पैटर्न को हम इस कार्डबोर्ड पर रख कर भी स्केच करेंगे और इसे कट कर लेंगे। तो सेम ऐसे हमें 6 पीसेस कट करने हैं। मैंने एक पीस कट करके आपको शो कर दिया है। अब सेम ऐसे 6 पीस में कट कर लूंगी। तो यहाँ पर मैंने सारे 6 पीसेस को कट कर लिया है। अब इसके एजेस पे हम मास्किंग टेप या टिश्यू पेपर को अप्लाई कर लेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर दोनों मेथड ही शो कर देती हूँ। तो सबसे पहले आप मास्किंग टेप को इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिएगा, ताकि जब इसे हम पेस्ट करें तो काफी नीट एंड क्लीन लुक आए। मास्किंग टेप वाला मेथड तो मैंने आपको शो कर दिया। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड मेथड की तरफ। तो यहाँ पर मैं अब टिश्यू पेपर से कॉर्नर को सील करूँगी। तो यहाँ पर मैंने फेविकोल में थोड़ा सा पानी मिक्स करके लिया है, जिससे हम इस टिश्यू पेपर को यहाँ पर पेस्ट करेंगे। मुझे तो ये सेकेंड मेथड ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि मास्किंग टेप से ज़्यादा नीट एंड क्लीन लुक टिश्यू पेपर अप्लाई करने पर आता है। तो हमारे सारे पीस रेडी हो चुके हैं। अब इन पर हम ग्लू गन से लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो सिंपली हमें ग्लू गन को गर्म कर लेना है और इस तरह से पैटर्न को बना लेना है। अब हम सारे पीसेस को कलर कर लेंगे। इसे हमें मेटल लुक में बनाना है, इसलिए हम मेटलिक कलर्स का ही यूज करेंगे। तो टोटल 6 पीसेस हैं, जिन्हें हमें 3 कलर से कलर करना है, यानी कि 2 पीसेस को सेम कलर से कलर करना है। तो मैं 2 पीस को कॉपर मेटलिक कलर से और 2 पीस को पर्ल और 2 पीस को गोल्डन कलर से कलर करूंगी। मैंने इस तरह का वॉल डेकोर अमेजन पर देखा था और तभी सोचा था कि इसे मैं जरूर बनाऊंगी। तो आज इसे मैंने बना ही लिया, तो सोचा आप सबके साथ भी जरूर शेयर किया जाए। कलर्स के हमें 2 कोट अप्लाई करने हैं, ताकि नीचे का कोई भी प्रिंट सो ना हो। इस पीस पर मैं व्हाइट पर्ल मेटलिक कलर को यूज करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 1 कोट व्हाइट कलर से अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट पर्ल मेटलिक कलर को अप्लाई करेंगे तो कार्डबोर्ड शो होने लगेगा। तो आप भी सबसे पहले 1 कोट व्हाइट एक्रेलिक कलर का अप्लाई कर लीजिएगा, देन आप व्हाइट पर्ल मेटलिक कलर को अप्लाई कीजिएगा।
कलर करने के बाद इसको हाईलाइट करने के लिए मैं डस्ट सिल्वर कलर को इसके बॉर्डर्स पर अप्लाई कर रही हूँ, यानी कि जहाँ जहाँ पर मैंने लाइन बनाई थी उसको मैं इस डस्ट कलर से हाईलाइट कर रही हूँ। अगर आपके पास डस्ट ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई भी ग्रे कलर का नेल पॉलिश हो तो उसे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डस्ट कलर को अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको ब्रश को कलर में हल्का सा डिप करना है और डस्ट में डिप करना है, तो इजीली आप इसे बेस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब इन टू पीसेस को कलर करने के लिए मैं स्प्रे कलर का यूज कर रही हूँ। आप इसकी जगह पर गोल्डन मैटिक कलर यूज कर सकते हैं। मैंने इस गोल्डन स्प्रे को मंगाया था तो सोचा आज इसे ट्राई कर लूँ। ये गोल्डन कलर में काफी डीप शेड मुझे मिल गया है, पर कोई बात नहीं, ये भी अच्छा ही लग रहा है। पर आप इसकी जगह लाइट गोल्डन कलर को अप्लाई कीजिएगा, वो ज्यादा खूबसूरत लगेगा। अब इन सारे पीसेस को आपस में अटैच करने के लिए हमें आइसक्रीम स्टिक की जरूरत पड़ेगी, तो हमें सारी आइसक्रीम स्टिक को ब्लैक कलर से कलर कर लेना है। तो सबसे पहले मैंने आइसक्रीम स्टिक्स पर थोड़ा थोड़ा सा पानी लगाया है ताकि ये कलर्स को एब्जॉर्ब ना करें। अब मेरा तो गोल्डन स्प्रे पेंट काफ़ी डार्क कलर का निकला, यानी डार्क शेड का, तो अब इसे थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए मैं गोल्डन कलर की नेल पेंट को यूज़ कर रही हूँ। अगर आप डायरेक्ट गोल्डन मेटलिक कलर से ही इन दो पीसेस को कलर करते हैं तो आपको हाईलाइट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वॉल आर्ट को जिस पैटर्न में मुझे वॉल पर लगाना है उसे मैंने फर्श पर रखकर आपको शो कर दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा ताकि आप अगर बनाए तो सेम इसी पैटर्न पर इसे अप्लाई करें। तो अब इसे हम आइसक्रीम स्टिक से आपस में अटैच कर लेंगे। इन्हें अटैच करने के लिए मैं ग्लू गन का यूज़ कर रही हूँ, आप फेविकोल या फेविबॉन्ड का यूज़ भी कर सकते हैं। इस पूरे वॉल आर्ट को आपस में अटैच करने के बाद इसके बैक पोर्शन को भी मैंने आप सबके साथ शो कर दिया है ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। आप इसके लुक को थोड़ा और इन्हेंस करने के लिए यहाँ पर मैं क्राफ्ट मिरर का यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने 4-पीस क्राफ्ट मिरर को लिया है। यहाँ पर मैंने राउंड शेप के क्राफ्ट मिरर को लिया है, तो मुझे सेम यही पैटर्न सारे पेटल पर अप्लाई करना है। इन्हें पेस्ट करने के लिए मैं फेविकोल का यूज कर रही हूँ। इसे वॉल पर हैंग करने के लिए यहाँ पर मैं जूट रोप का यूज कर रही हूँ। जूट रोप को मैं ग्लू गन की हेल्प से कार्डबोर्ड पर पेस्ट कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे मेटल वायर से भी हैंग कर सकते हैं। अगर आप मेटल वायर का यूज करते हैं तो उसे एमसील से यहाँ पर पेस्ट कीजिएगा। साथ ही इसे सिक्योर करने के लिए हम इसके ऊपर प्लास्टिक टेप को भी अप्लाई कर देंगे। ये रहा इसका फाइनल लुक। इसे देखकर कोई भी आपकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएगा।
और साथ ही वो ये भी नहीं जान पाएगा कि इसे आपने वेस्ट मटेरियल यानी कार्डबोर्ड से बनाकर रेडी किया है। वो तो यही सोचेगा कि ये मेटल का है। आई होप आप सभी को आज का ये DIY पसंद आया हो। अगर आप सभी को आज का ये वॉल आर्ट पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।